ये देखो गाड़ी 1,05,519 चल चुकी है। देखिए 1 लाख चलने के बाद गाड़ी का साउंड क्या है, डीजल गाड़ी है भाई, बहुत अच्छी है, बट इसमें 2-3 चीजें है खराब। जब मेंटेनेंस तो भाई देखो, अभी जो 1 लाख वाली सर्विस है ना, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा से। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किया सेल्टोस, जो कि तुलाई कितनी चल चुकी है एक बार बताओ भाई। 1,05,000 चल गई है, मतलब 1 लाख से ऊपर गाड़ी चल चुकी है। इसका ओनरशिप रिव्यू देंगे पूरा आपको, अतुल भाई की गाड़ी है, पूरा सच बताएंगे, कुछ झूठ नहीं। आपको दिखाते एक बार हम किलोमीटर, देखो ये देखो गाड़ी 1,05,519 चल चुकी है। और गाड़ी को अतुल भाई कितना टाइम हो गया है भाई? से अभी ना 2019 में ली थी हमने। हाँ, 19 में ली है, मोटा मोटी इसको 4 साल तो हो गया अभी। तो 4 साल गाड़ी को हो गया है, अतुल भाई ने गाड़ी चला दी है 1 लाख। और सबसे अलग चीज है भाई इसमें ना, जैसे आपको पता होगा, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो 30-40 हजार, कोई अच्छा ड्राइवर है तो 50 हजार तक अपनी क्लच प्लेट बदलवा लेता है। हाँ। अभी ये 1,05,000 चल चुकी है और अभी इसमें ना हमने क्लच अब तक इसका चेंज नहीं कराया। अच्छा, क्लच प्लेट अभी तक चेंज ही नहीं हुई इसकी। तो गाड़ी अगर बाहर से भी दिखा देते, 1 लाख चली हुई गाड़ी बाहर से कैसी लग रही है? ये भाई गाड़ी किया सेल्टोस HTX प्लस वेरिएंट है, डीजल गाड़ी, बिल्कुल टॉप मॉडल है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 2019 का वेरिएंट है, VIP नंबर के साथ ग्रिल, ये इसके हेडलैम्प, LED इंडिकेटर आते हैं इसमें, नीचे फॉग लैम्प, ट्राई LED वाले फॉग लैम्प आते हैं। गाड़ी का साइड लुक देखो, ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल अलग है, तो इसमें कंपनी वाले हैं, लेकिन टायर प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई टायर प्रोफाइल के बारे में बताओ एक बार। भाई जैसे कि टायर प्रोफाइल कंपनी देती है 215/60/R17। हाँ। तो इसमें हमने क्या करा था, इसका एक अपना 225 तो हमने कर दिया और 55 हमने इसका विड्थ कर दिया है। तो उसके बाद ये देखो आप साइड लुक एक बार आप दिखा दीजिए। हाँ, मतलब टायर जो है बहुत वाइड लग रहा है, पीछे वाला भी यहाँ से देखोगे। योकोहामा का टायर है, योकोहामा अपनी फर्स्ट चॉइस, आपने ज़्यादातर गाड़ियों में जितने में देखा योकोहामा का ही टायर देखा होगा। गाड़ी की साइड लुक, ये तो भाई कहने को 1 लाख है, गाड़ी कहीं से लग नहीं रही है, 1 लाख किलोमीटर चली हुई सी। साइड लुक देखो एक बार इसकी, मुझे तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा है गाड़ी 1 लाख चली है। गाड़ी में कोई स्क्रैचेज नहीं, कुछ नहीं, माइनर तो कुछ भी है, छोटी मोटी तो होती है भाई इतनी गाड़ी चली है तो, लेकिन और कोई इसमें कुछ भी नहीं है। बैग भी बड़ा प्यारा लग रहा है गाड़ी का। तो इसकी बूट स्पेस की बात करें तो भाई 433 लीटर का से बूट स्पेस आता है, मतलब जगह की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। भाई इसकी बूट भी क्लीन है, 4 साल हुए बस गाड़ी को। हाँ भाई, 4 साल, 4 साल में वैसे भाई आपने चला खूब दिए गाड़ी 1 लाख किलोमीटर। अभी शायद ना 26-27 अक्टूबर को इसको भी 4 साल हुआ है। अच्छा, उस टाइम 2019 में नवरात्रे पे ली थी। ये गाड़ी की बैक प्रोफाइल पूरी, गाड़ी की बैक सीटिंग पे चलते हैं एक बार। इस ये क्वार्टर मिरर पे टिंट कराई हुई है 100%, बाकी गाड़ी पे कोई भी किसी भी तरह की टिंट नहीं है, कंपनी से ही आते हैं 30% टिंट। बैक फेस देखो गाड़ी का, स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। नया वाला जो फेसलिफ्ट आ रहा है वही मैंने आपको वीडियो ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, क्लिक करके आप देख सकते हो पूरी वीडियो, ऊपर लिंक आ रहा होगा। स्पेस तो उसके जितना ही है, इसमें पीछे से काफ़ी स्पेशियस है। ये गाड़ी की सनरूफ, अब तो पैनोरामिक आ रही है पूरी कंप्लीट, पहले नहीं आती थी। और ये गाड़ी का डैश लुक, डैश लुक तो भाई इसका गाड़ी का शानदार पहले से ही है। सामने आती है इसमें एम्बिएंट लाइटिंग स्पीकर पे, प्लस सामने यहाँ पूरा डैश लुक देखो पीछे से एक बार। एक बार मैं आपको इसी सनरूफ भी ओपन करके दिखाता हूँ पीछे से। अतुल भाई एक बार सनरूफ ओपन करके दिखाना।
छोटा ही सनरूफ आता है, लेकिन अगर सनरूफ का शौक करना है तो भाई इससे पूरा हो जाएगा। उस टाइम पे यही आता था। गाड़ी में बोस के स्पीकर आते हैं, एचटीएक्स प्लस मॉडल है ये, पूरा बोस का सेटअप आता है इसमें। इसमें भाई वीडियो भी फुल एचडी में चलती है। मैं गाड़ी की फ्रंट सीटिंग आपको एक बार दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट आती थी गाड़ी में एचटीएक्स प्लस में, आप देख सकते हो। ये गाड़ी का मीटर नॉर्मल वाले से अलग है, एचटीएक्स में अलग आता है, इसमें अलग आता था। इसमें बीच में बड़ी स्क्रीन होती थी, उसमें नॉर्मल जैसे अपने क्रेटा बेस में देखा होगा आपने, सेंटर में छोटी सी डिस्प्ले आती थी। इस गाड़ी में वीडियो प्ले हो रही है, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। गाड़ी में ना चलते टाइम भी आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, इसमें हमने एक्टिवेटर लगवाया हुआ है बाहर से। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे एक बार इसका, ये भी चेक कर लेते हैं कि बोस तो उस टाइम आया था, साउंड क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन चार साल बाद इन स्पीकरों का क्या रिव्यू है, वो हम आपको ज़रूर चेक कराएंगे। एक बार अतुल भाई इसमें इंसेस का गाना प्ले करते हैं। अल्टीमेट लेवल का साउंड है इस गाड़ी में तो, सच में भाई लाजवाब। एक चीज और है, जैसे बोस का बताते हैं, मतलब लगता है हाँ बोस का स्पीकर दिया है। उस टाइम पे क्या था कि जैसे एक मॉडल इससे भी, मतलब एक जो इससे नीचे वाला मॉडल है उसके अंदर 1.5 लाख का डिफरेंस था इस मॉडल एचटीएक्स प्लस में। तो उसमें एक तो हमारे सनरूफ आ रहा था और एक इसका जो है स्पीडोमीटर है थोड़ा बड़ी स्क्रीन का हो गया, और तीसरा उसमें वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन था, हाँ इसे वेंटिलेटेड, और प्लस चौथा हमारा टिंटेड ग्लास था। बस ये चार पांच चीजें थी और मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें 1.5 लाख हमें, हाँ एक बोस का अपना स्पीकर, तो काफी वर्थ इट है। मैं स्टीयरिंग देख पा रहा हूँ कि गाड़ी 1 लाख चली, कहीं और से तो लग नहीं रही, पर हाँ थोड़ा सा यहाँ फिनिशिंग में थोड़ा सा लग रहा है हमें। और एक ये गियर नॉब, हाँ बस ये दो चीजों में तो देखो गाड़ी इतना चलेगी तो दिक्कत, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही भाई, इतनी चली है तो गाड़ी पता तो लगेगा ही। अब तो भाई बोनट खोलो इसका, इंजन साउंड सुनाते हैं कि 1 लाख चलने के बाद गाड़ी का साउंड क्या है। डीजल गाड़ी है, इंजन नॉर्मली ज़्यादा आवाज़ करता है, एक बार इसकी भी चेक कर लेते हैं। ओम भाई एक बार इंजन ऑन करना, साउंड नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल गाड़ी कर रही है, नई वाली कर रही है उतना ही ये कर रही है। अलग से साउंड को फील हो रहा है, कट कट वाला पता नहीं, मतलब इसमें होता है नहीं होता, मेरे को इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। चलो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल साउंड ही लग रहा है, इतना कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। गाड़ी की एक बार लाइट जला के दिखाते हैं। ओम भाई थोड़ी सहायता करोगे? जरूर। ये गाड़ी की पार्किंग ऑन हो चुकी है, पार्किंग लो बीम, ये गाड़ी की लो बीम हो गई, हाई बीम ये गाड़ी की हाई बीम है। वैसे तो भाई अगर लाइटों की बात करें तो आप रियल रिव्यू दोगे मुझे? देखो भाई सबको ही पता है जो क्रेटा और सेल्टोस में हेडलाइट देते हैं, तो ये इसका क्या रिफ्लेक्टर बेस पे होता है, तो रिफ्लेक्टर बेस का ना जैसे आप दूर से देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा उजाला है, जब आप लाइव आप हाईवे पर चलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपने लाइट ही नहीं जला रखी है। अच्छा, इसके मतलब फोकस अच्छा नहीं है गाड़ी का? फोकस तो क्या है, एक लाइट ऐसा लगता है बस नाम की लाइट दे दी है कंपनी ने ना, सेम क्रेटा में भी ये मैंने देखा हुआ है, दोनों में टॉप मॉडल में ये परेशानी है। हाँ, ये तो भाई मैंने कई लोगों से सुनी है। वो अच्छा होता है बेस मॉडल में, जो बाहर से पब्लिक 120 130 वोल्ट का जो बल्ब लगवा लेते हैं उसका फोकस बहुत अच्छा है। हाँ, उसका ज्यादा अच्छा है, मैंने क्रेटा में लगवाया हुआ। हाँ, क्रेटा में भी यूज करा हुआ, उसका भी भाई लिंक ऊपर है वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। भाई आपने कितनी बार टायर चेंज करा लिए होंगे इस गाड़ी के, जैसे 1 लाख चल गई? जैसे क्या था ना, पहले हमने इसमें जैसे नई ली थी तो पापा ने इसमें गिट्टी कंपनी है वो लगवाया था, वो पता नहीं चाइनीज क्या था। हाँ, वो मतलब वो इंपोर्टेड टायर 45,000। फिर उसके बाद हमने एक टायर और लगवाया था, वो भी शायद ना मेरे को कंपनी ध्यान नहीं आ रहा क्या कंपनी था, वो भी हमारा पूरा 90 चला था, और इसको अभी हमें 15,000 किलोमीटर। भाई एक बार आपने दो तीन तो इसमें टायर भी चला लिए, फिर आपने योकोहामा डाला, एक बार योकोहामा का रिव्यू दो। भाई योकोहामा जैसा टायर कोई भी नहीं है। क्या खासियत है इसकी ऐसी? इसमें भाई देखो, जो गाड़ी में पहले चाइनीज टायर पे चलाता था ना, एक गाड़ी में पूरा आगे पीछे से, मतलब मैं खुद सोचता था कि गाड़ी बहुत बेकार है, पूरे में साउंड साउंड आता था बहुत अजीब सा। तो अब ऐसा है कि कंफर्ट
मतलब डबल हो चुका, डबल से भी ऊपर आप लगा लो कंफर्टेबल। तो ये टायर है, ये तो मैंने चेक किया है, मैंने स्विफ्ट में भी दिखाया था, एक वाइट स्विफ्ट है, लेकिन उसमें कंफर्ट ज़्यादा ही हुआ इस गाड़ी में। मैं तो सबको ये सलाह दूंगा कि अगर आप गाड़ी के एक शौकीन हो ना कि हाँ ठीक है मेरे को गाड़ी बढ़िया चलानी है हाईवे वगैरह पे रफ भी, तो योकोहामा से अच्छा कोई टायर नहीं है। आपको लगे यहाँ कुछ पैसा डाला है ना, वसूल है पैसा। तो भाई आपने 2019 में सेल्टॉस लिए, तो एक बार रिव्यू दो सेल्टॉस में, पूरा मजा आया। 4 साल यूज़ कर लिया आपने गाड़ी भाई, बहुत अच्छी है, बट इसमें 2-3 चीज़ें हैं ख़राब। जैसे इसका ब्रेकिंग सबको पता है, ABS फेलियर सबसे बड़ा दिक्कत ये है, और इसका मैंने ना डिस्क अभी चेंज कराया था, ब्रेक पैड भी, तो ब्रेक का तो इसमें शुरू से इशू है, शुरू से इशू। वो मेरी क्रेटा में भी है सेम, या तो मुझे लगता है ह्यूंडई और किया दोनों रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी में भी बहुत बार दिखाया तो बोलते हैं नहीं ऐसा कोई इशू है नहीं इसमें। और तो कुछ ऐसा मेन मेरे को ब्रेकिंग का लगता है इसमें इशू ना, और सब चीज़ बिल्कुल बढ़िया है। चलो तो भाई ये गाड़ी पूरी हमने देख ही ली है, एक बार गाड़ी की माइलेज और चेक करते हैं। अतुल भाई कितनी माइलेज देती है ये गाड़ी वैसे? भाई वैसे अगर प्यार से चलाए ना तो 20-22 की तो कम से कम देती है। अभी जैसे थोड़ा रफ चल रही है तो भी 18.5 का शो कर रही है MID में, मतलब जेन्युइन इतने की देती है ये गाड़ी? इतने की देती है, जैसे फुल टैंक में अगर आप प्यार से चलाओगे ना 1000 से प्लस चल जाएगी। अच्छा 1000 से प्लस चल जाती है। और भाई आपने तो इसकी सर्विस भी कई बार करा ली होगी, तो सर्विस कॉस्ट क्या रहती है इस गाड़ी की, मेंटेनेंस? मेंटेनेंस तो भाई देखो अभी जो 1 लाख वाली सर्विस है ना उसमें तो इसका जैसे मैं एक्सटेंड वारंटी नहीं कराई थी तो उसका स्टेयरिंग रैक जंपिंग रॉड वगैरह तो इसकी 45,000 के अराउंड में हुई थी ये वाली। उससे पहले वाली सारी सर्विस 10-12 के अराउंड में थी। सर्विस कॉस्ट ठीक है, नॉर्मल है, मतलब 10-12 एक्सटेंड वारंटी अगर करा लेते तो ये वाली सर्विस भी मेरी 15 के अराउंड में हो जाती। समझ गया। तो चलो भाई गाड़ी पूरा हमने आपको रिव्यू दे दिया, पूरी गाड़ी दिखा दी, 1 लाख चली हुई किया। हमारे पास कमेंट भी आया हुआ था कि भाई ओनरशिप रिव्यू कब आ रहा है सेल्टॉस का, तो वो भी हमने दिखा दिया है अब। ओके ओम भाई, ओके सबको टाटा बाय बाय बोलते हैं, ठीक है सब। सारे भाई सब्सक्राइब करो भाई, प्यार दो थोड़ा और। अगली वीडियो जल्द आने वाली है एक और अच्छी गाड़ी की, फिर दिखाते हैं आपको।